तीर्थनगरी पुष्कर में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात हो गए हैं। बारिश से पुष्कर और आपको बता दें प्रदेश भर में बारिश के हालात हो गए हैं, तो वही फीडर उफान मारने के बाद अदृश्य हो गए हैं। कस्बे के नाला क्षेत्र में जहां देखो वहां तक पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के हालातों के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जलभराव वाले नाला क्षेत्र की होटलों को खाली करवा दिया गया है। साथ ही बड़ी पुलिया से आवागमन को बंद कर दिया गया है। जलभराव वाले क्षेत्रों में SDM देविका तोमर के निर्देश पर आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर राहत के लिए भेजा गया है। तो वहीं तहसीलदार पंकज शर्मा बड़गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने पुलिस और सिविल डिफेंस की मदद से कई होटल में रुके पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पुष्कर राजस्थान की, जहां सरोवर में करीब 30 फीट तक पानी आ गया है। बाढ़ के हालातों के बाद प्रशासन वहां अलर्ट हो चुका है। '75 जो बाढ़ आई थी अजमेर और पुष्कर में, वो आज हालात बने हुए हैं पुष्कर की निचली बस्तियों में और नाला क्षेत्र में। सभी जगह भारी पानी भर गया है और स्थितियां ऐसी हो रही है कि पुष्कर सरोवर में आज लगभग 33 फीट का लेवल हो गया है और सब तरफ लोग खुशी मना रहे हैं कि 1975 के बाद पुष्कर सरोवर में इतना जल आया है और ये सबके लिए संतोष की बात है कि ये जल जमीन के वाटर लेवल को भी बढ़ाएगा और पुष्कर सरोवर के इस मनोहर दृश्य को भी सब लोग देखने निहारने के लिए वहाँ घाटों पे पहुँच रहे हैं। पर आज सबको एक खुशी है कि पुष्कर सरोवर में इतना जल आया है और हम तो ये कामना करते हैं कि इंद्र भगवान से निरंतर बरसात हो रही है और पुष्कर सरोवर में पानी की आवक के तीनों फीडर लबालब भर के चल रहे हैं और चारों तरफ पानी पानी हो रखा है। और मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन बाढ़ के हालातों की तुरंत जायजा लेके वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ NDRF या जो भी व्यवस्था आपदा प्रबंधन की हो सकती है वो जल्दी से जल्दी पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र में और नाला क्षेत्र में पहुंचाने की कृपा करवाएं। वहीं आपको बता दें ये तस्वीरें पुष्कर की राजस्थान की है, जहां पुष्कर सरोवर लबालब हो चुका है। सरोवर में करीब 30 फीट तक पानी आ गया है। प्रदेश भर में बाढ़ के हालात बढ़ गए हैं, तो वहीं प्रशासन ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, प्रशासन अलर्ट हो गया है, नदियां अपने उफान पर है। आपको बता दें कि बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, तो वहीं लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वह तो वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रमेश, पुष्कर में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जी आरती, मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दो दिनों से लगातार यहाँ पुष्कर में बारिश हो रही है, उससे बाढ़ के हालात हो चुके हैं। यहाँ सरोवर के पीछे जो जल भराव वाले क्षेत्र है, वहाँ काफी होटलें डूब चुकी है। विदेशी पर्यटक काफी यहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लगातार यहाँ
आपदा प्रबंधन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी आरती, मैं आपको बता दूं कि जो SDM है उनके निर्देश पे आपदा प्रबंधन केंद्र के जो वॉलेंटियर है, जो पुलिस के जवान है, सिविल डिफेंस के लोग है यहाँ पे, वो मौजूद है। चारों तरफ से यहाँ जो हाई लेवल ब्रिज है उसकी आवाजाही रोक दी गई है और जो कुछ लोग यहाँ पे थे उनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक जो सुरेश सिंह रावत है उन्होंने भी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ विजिट किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी जी रमेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पुष्कर में बाढ़ के हालातों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो वहीं पुष्कर के सरोवर वो भी लबालब भर चुका है। आपको बता दें सरोवर में करीब 30 फीट तक पानी बढ़ चुका है। तो वही राजस्थान के कोटा बिराज से लगातार छोड़ी जा रही पानी की आवक से धौलपुर जिले से गुजरने वाली चंबल नदी इस समय रुद्र रूप में दिख रही है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़कर इस समय 139.80 पर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर है। नदी में आए उफान से जिले के भमरोली और सहारन गांव को जाने वाली सड़कों पर पानी आ गया है। एहतियातन प्रशासन के आला अधिकारी और पटवारी मौकों पर नजर आए, तो वहीं निचले स्थानों पर ग्रामीणों को अलर्ट जारी कर दिया है। पानी की लगातार हो रही वृद्धि से इस समय हालात ये है कि पानी चंबल नदी पर बने पुराने पुल से टकराता हुआ चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि नदी का जलस्तर अभी और भी बढ़ेगा अगर नदी में पानी अधिक बढ़ता है तो। धौलपुर में जो हमारी मुख्य नदी है चंबल, उसमें अभी पानी की जो आवक हुई है, खासकर जो कोटा बैराज में गेट खोलने की वजह से जो मूसलाधार बारिश हर जगह पर हो रही है, उस वजह से आवक पानी के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो चंबल है वो अपनी जो डेंजर का निशान है, जो एक खतरे का निशान है, उससे ऊपर बह रही है। और इसके लिए हमने पूरी तरीके से तैयारी कर दी है कि अगर कहीं पर भी जो क्षेत्र हमारे खासकर चंबल से लगते हुए हैं उनमें किसी भी तरीके की अगर भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो एक ज्वाइंट टीम बना के अगर कहीं पर भी जो प्रोटोकॉल के तहत जो कार्रवाई करनी है, कहीं पर शिफ्टिंग करनी है, तो वो सबके लिए वो तैयार है। तो सीकर के निमका थाना इलाके के डाबला अंडरपास में पानी में सवारियों से भरी बस फंस गई। बस को ट्रैक्टर एवं लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार बस सिंघाना से जयपुर जा रही थी, तभी डाबला अंडरपास में पानी में बस फंस गई। टैंकर एवं लोगों की मदद से बस को बाहर निकाला गया, तब जाकर सवारियों ने राहत की सांस ली। तो वहीं बस में करीब 40 से 50 सवारियां मौजूद थी। बारिश से अंडरपास में पानी जमा हो जाने से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो सीकर के निमका थाना की है, जहां सवारियों से भरी बस अंडरपास में फंस गई। तो वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। आपको बता दें बस में 40 से 50 सवारियां मौजूद थी, जिन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। आपको बता दें बारिश के कारण एक बस सवारियों से भरी बस अंडरपास में फंस गई थी। तो वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई और बस को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मौजूद भीड़ द्वारा बस को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।
वही राजस्थान के दौसा जिले में सबसे बड़ा बांध छलकने को आतुर है। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौके पर जल संसाधन विभाग को तैनात रहकर पल पल की जानकारी से अवगत करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वही लालसोट उपखंड में स्थित मोरेल बांध की भराव क्षमता 30 फीट है, जो खतरे के निशान पर चल रही है, जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही है। लेकिन जांच में बांध पर किसी प्रकार का रिसाव नहीं मिला, इससे प्रशासन व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। यह बांध करीब 2 दशक बाद इतनी बड़ी मात्रा में भरा है। आपको बता दें कि बांध करीब 2 दशक बाद इतनी बड़ी मात्रा में भरा है। जिले का सबसे बड़ा बांध छलकने को आतुर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान के दौसा की, जहां बाढ़ को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं वहां का सबसे बड़ा बांध पूरा भर चुका है। बताया जा रहा है कि 2 दशक बाद इतनी बड़ी मात्रा में इस बांध में पानी की आवक हुई है। तो वहीं इस बांध को देखने के लिए कई लोग वहां मौजूद हैं।